इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव के दौरान मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे सुनते हैं। तो ये देखिए तस्वीरें, और इसमें देश के कई राज्यों से और साथ ही अलग अलग देशों से भी जो दमी है वो पहुंचे हुए हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसमें सारे सेक्टर्स पर फोकस किया गया है। संस्कारधारी में निवेश का एक ये नया अवसर होगा, निवेश की नई रफ्तार आपको देखने को मिलेगी, और यहाँ पर कई विभागों में निवेश को लेकर ये कॉन्क्लेव बुलाया गया है। जबलपुर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अभी सभी को संबोधित करने वाले हैं। तो कॉन्क्लेव का शुभारंभ हुआ है, 3500 से ज़्यादा निवेशक इसमें शामिल होंगे ऐसी जानकारी है, और उद्योगपतियों, विभिन्न उद्योग संघों के प्रतिनिधियों और प्रमुख विदेशी प्रतिनिधियों सहित 3500 से अधिक उद्योग जगत की प्रमुख हस्तियां इसमें शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 60 से अधिक इकाइयों का वर्चुअली उद्घाटन कर उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा भी करने वाले हैं, और अभी वो सभी को इस कॉन्क्लेव को लेकर ब्रीफ करेंगे, संबोधित करेंगे। और ये देखिए संस्कारधानी में ये दूसरा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो रहा है और RIC इसको आयोजित कर रही है। संस्कारधारी जबलपुर में आज के इस महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में इस प्रकार का रिस्पांस मिला है, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि जबलपुर के अंदर हमारी आशा से ज़्यादा अनुकूलता निवेशकों ने दिखाई है, और बड़े पैमाने पर सभी सेक्टर में जो जो हमने सामने प्रस्तुत किया है, हर सेक्टर में उत्साह उमंग के साथ लोगों ने निवेश के लिए सुझाव तो सुने ही सुने, उनकी तरफ से इंटरेस्ट दिखाया है। लगभग मैं आज ही इस कॉन्क्लेव के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारे अपने अभी तक की हमारी जो सबमिट हुई है उसका रिकॉर्ड यहाँ ढूंढा है, खास करके जबलपुर के इस कॉन्क्लेव में 262 औद्योगिक इकाइयों को 340 एकड़ भूमि के आवंटन के आशय पत्र दिए गए। प्रदेश में कुल 17,000 करोड़ के निवेश आज यहाँ उसके प्रस्ताव एक तरह से फाइनल भी हो गए, हमको प्राप्त हो गए। प्रदेश की 67 औद्योगिक इकाइयों के लोकार्पण भूमि पूजन के साथ ये इसी का एक हिस्सा था कि हमने जहाँ कॉन्क्लेव करेंगे रीजनल, वहीं पर जो इंडस्ट्रियल बेल्ट डिमांड फोर्स धरातल पर लोकार्पण या भूमि पूजन होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगभग 67 इकाइयों के माध्यम से ये हमारे प्रदेश भर में सभी अंचल में एक साथ 50 से ज़्यादा इकाइयों का भूमि पूजन हुआ और 25 से ज़्यादा इकाइयों का लोकार्पण हुआ, और उसमें टू वे संपर्क के माध्यम से हमने संपर्क भी किया, चर्चा भी की, जिसमें 4 इकाइयों में अकेले 4,500 लोगों को ये इकाइयां रोजगार देगी, और जो आज जिनका भूमि पूजन लोकार्पण हुआ उनमें लगभग 1530 करोड़ रुपए का निवेश उनमें आज हुआ है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज जो यहाँ हमारे अपने इस कंपनियों में जो शामिल हुए हैं उसमें रक्षा उपकरण निर्माण से जुड़ा हुआ बड़ा एक नया हमारा डेवलपमेंट हुआ है, जिनके बीच में अशोक लीलैंड और आर्म्स व्हीकल निगम लिमिटेड के माध्यम से 600 करोड़ रुपए का आपसी करार किया गया है। ये जबलपुर के लिए बड़ी उल्लेखनीय बात है कि भविष्य में यहाँ टैंक का निवेश प्रारंभ होगा, टैंक के निर्माण को, अभी तक तो गन के नाते से जानते थे, गन फैक्ट्री थी, लेकिन अब यहाँ टैंक भी बने जाएंगे। इसी के साथ साथ स्टार्टअप में काफ़ी लोगों ने रुचि ली है, मध्य सरकार द्वारा इंडिया सीड फंड के माध्यम से आज 12 स्टार्टअप को अलग से राशि लगभग 1 करोड़ की दी गई है। 6 देशों ने अलग अलग ढंग से इस पूरे आज की समिट में भाग लिया, ताइवान, मलेशिया, यूके, फिजी, कोस्टा रिका और इंडोनेशिया। 15 राज्यों के निवेशक अलग अलग राज्यों से 15 राज्यों से निवेशक आए थे, जिसमें खासकर डिफेंस, खनिज, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी विकास,
वस्त्र परिधान एवं पर्यटन से संबंधित अलग अलग प्रकार के सेक्टरल सेशन भी हुए, जिसमें उद्योगपतियों और अधिकारियों के साथ सीधा संवाद हुआ और उनको निवेश के प्रस्ताव लेने देने में मददगार हुए। लगभग 4000 से अलग प्रतिभागियों ने इसमें पूरे आयोजन में भाग लिया है। उद्योगपति और आयोजकों के साथ हमारे प्रदेशवासियों को इस सफल आयोजन के लिए और खास करके ये जो हमने कल्पना दी है ये सभी को अच्छा भी लगा। मुझे मंच पे ही लोग बता रहे थे 90% से ज़्यादा लोग जो देश भर से आए थे वो जबलपुर पहली बार आए, और आने के बाद उन्होंने इस स्थान की खूबसूरती, आसपास के रमणीय स्थान, पर्यटन के केंद्र सबकी जानकारी भी दी और दोबारा परिवार से ही आने की इच्छा व्यक्त की। यह हमारे पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से भी और हमारे संस्कार रहने की जो हमारे रखने के पीछे कल्पना थी कि देश के अंदर हमारी इस संगमरमर की अद्वितीय पहचान वाली नगरी को और इससे पहचान मिले, ये बड़ी बात हुई है। एक सरकार के लेवल पे भी हमने कुछ निर्णय लिए, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स का एक यहाँ स्किल डेवलपमेंट का सेंटर की घोषणा हमने की है, जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों को पहले ट्रेनिंग मिलेगी और फिर उससे रोजगार का एक केंद्र बनेगा। ये दो सेंटर बनाए जाएंगे, मूलतः एक सेंटर जबलपुर में, दूसरा सेंटर उज्जैन में, लेकिन जबलपुर का सेंटर पहले प्रारंभ किया जाएगा ताकि रेडीमेड गारमेंट्स के और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करने वाले भाई बहन जिनको इसकी ट्रेनिंग मिलेगी उनको तुरंत रोजगार मिलेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। इसके अलावा भी इसी स्थान पर जहां हम बात कर रहे हैं, यहीं पर हमने आईटी पार्क बनाने की घोषणा की है। वर्तमान में आईटी पार्क जबलपुर में तुरंत प्रारंभ होगा और इसी भवन के हिस्से में स्मार्ट सिटी के इस भवन को आईटी पार्क के रूप में कन्वर्ट किया जाएगा, जिससे बड़े पैमाने में लोगों को रोजगार मिलेगा। जो हमारा ऊपर बना हुआ ऑडिटोरियम या होटल का पार्ट वो अलग आ जाएगा, लेकिन शेष भवन में आईटी पार्क के माध्यम से आईटी से जुड़े लोगों को रोजगार मिलेगा। ये जबलपुर का एक बहुत बड़ा अपने आप से नया सेक्टर प्रारंभ होगा। आज जो प्रमुख निवेश प्रस्ताव पास मेरे पास आए हैं और इसको फाइनल किया है, मैं कुछ उनके उल्लेखनीय बात बताना चाहूँगा। हमारा बैजनाथ ग्रुप लोगों को ये छिंदवाड़ा में इसका प्रोजेक्ट लगने वाला है। इसी प्रकार से रमणीक पावर माइंस एंड मिनरल्स का ये फेरो एलाई का ये बालाघाट में रहेगा। एक हिंडलबर्ग सीमेंट का बड़ा प्लांट आने वाला है। स्वराज शिपिंग का एक लोहिया ग्रुप छिंदवाड़ा, पीएलआर सिस्टम और साथ ही साथ अलग अलग दूसरे स्थानों के भी यहीं से बैठ करके कुछ भोपाल के, जबलपुर के, इंदौर के, दमोह के, ऐसे अलग ऐसे डिफेंस का ये AVNL ग्रुप ये डिफेंस के इक्विपमेंट बनाने का काम करेगा। ये लगभग 600 करोड़ के निवेश इसमें लाया, 900 लोगों को रोजगार मिलेगा। अलग अलग सेक्टर के सब मिलाकर के 13000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार के लिए अवसर मिलेंगे। इसमें SRF फार्मा फार्मास्यूटिकल्स कंपनी द्वारा 2500 करोड़ का निवेश किया जाएगा, जिसमें 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से ये हमने जो कल्पना की थी, इसमें आज के अवसर पर इस कार्यक्रम में हाईलाइट करने लायक अगर कोई बात है तो 700 से अधिक बायर सेलर मीट की गई है। इसमें 30 से अधिक उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 चर्चा की गई है। 15 राज्यों से निवेशक आए, 5 सेक्टोरल सत्र किए गए, जिसमें डिफेंस, खनिज खनन का क्षेत्र, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र उद्योग, डेयरी, पर्यटन, इसी के साथ साथ गोलमेज 3 राउंड टेबल पर चर्चा हुई है, जिसमें रक्षा क्षेत्र में निवेश के अलग अवसरों पर आगे जाकर के ये भी प्लान कर रहे हैं कि केवल रक्षा के मामले में हमारे एक अलग से सम्मिट की जाए, जिसमें रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए शासकीय और अशासकीय दोनों सेक्टर के लोगों के साथ में जोड़ करके और नए स्टार्टअप वाले बच्चों के साथ भी जुड़ करके इसमें एक बड़ी संभावना पर काम किया जाएगा। इसी के साथ साथ हमारे यहाँ जो कॉटन बेस्ड कॉटन लगभग 40% हमारा
यहाँ से एक्सपोर्ट होता है या बाहर जाता है अन्य राज्यों में, तो काटन आधारित उद्योग भी अपने प्रदेश के अंदर लगे। ऐसे अलग अलग सेक्टर में कुल मिलाकर के खुल करके चर्चा करने का बड़ा लाभ मिला है और निवेशकों ने जिस तरह से उत्साह और उमंग दिखाया है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये जो हमने रीजनल सबमिट करने का जो निर्णय किया था उसके निर्णय के प्रति भी लोगों को बहुत आनंद आया। आमतौर पर बड़े बड़े शहरों में लगने से और एक ही जगह बात करने से उतना माहौल उत्साह का नहीं बनता, लेकिन समूचे प्रदेश को रेखांकित करते हुए जो बात कर रहे हैं, लेकिन एक आपकी जानकारी भी बताना चाहूँगा कि ये रीजनल समिट जो जैसे जबलपुर में हो गई तो जबलपुर के निवेश के प्रस्ताव बंद नहीं हुए, ये लगातार जारी रहे। यहाँ पर भी स्थानीय स्तर पर जो लोग रोजगार के लिए इंडस्ट्री डालना चाहते हैं, अलग सेक्टर में काम करना चाहते हैं, उन सबके लिए भी हमारे यहाँ के अधिकारियों से लगातार संवाद करते हुए अब आने वाले समय में जैसे अगली समिट सागर ग्वालियर रीवा में होने वाली है, बाद में भोपाल में होगी, तो यहाँ उस समिट में चलते चलते भी यहाँ के लगातार प्रस्ताव जो मिलते रहेंगे उस पर भी काम करेंगे। एक अच्छी बात है कि इथनॉल के बहुत बड़े पैमाने पर प्रस्ताव मिले हैं और इथनॉल का केवल इथनॉल के लिए नहीं, ये हमारे लिए मोटे अनाज की दृष्टि से बहुत काम का है, राइस का मक्के का, ये बड़े पैमाने पे कृषि क्षेत्र में मददगार होने वाला एक प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से भविष्य की बड़ी संभावना है। इसी प्रकार से कोल इंडस्ट्रियों के साथ साथ हमारे पावर सेक्टर में भी अच्छे प्रस्ताव मिले हैं। लगभग 4,500 करोड़ के अडानी ग्रुप ने ही हमको कोल और सोलर से जुड़े हुए पावर प्रोजेक्ट पे अपने निवेश फाइनल किए हैं, साथ ही साथ और अन्य अलग अलग लोगों ने प्रस्ताव दिए हैं। कुल मिलाकर के जिस प्रकार का वातावरण बना है ये सभी सेक्टर के लिए, उदाहरण के लिए मेडिकल सेक्टर में भी हमारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के प्रस्ताव में मिले और हॉस्पिटल से जुड़े हुए अलग अलग बीमारियों को लेकर के भी अलग अलग प्रस्ताव हुए हैं जिसके माध्यम से निजी क्षेत्रों को हेल्थ के सेक्टर में भी जोड़ा है, कुछ प्राइवेट एजुकेशन सेंटर के लिए भी बात आई है। सब मिलाकर के सभी सेक्टर में समान रूप से और खास करके खदान आधारित उद्योग माइनिंग आधारित उसमें भी मिनरल्स पे हमारे यहाँ जो जो उपलब्धता है उसमें खनिज से लगा करके आयरन तक और एक तो हमको स्टील प्लांट का भी प्रस्ताव मिला है। उम्मीद करता हूँ कि सभी प्रस्तावों के माध्यम से औद्योगिक निवेश का एक नया वातावरण पूरे देश में मध्यप्रदेश को लेकर के बनेगा और मध्यप्रदेश न केवल इंडस्ट्रियल सेक्टर में मजबूत होगा बल्कि और आगे जाएगा। मेरी अपनी ओर से सभी निवेशकों को और सभी मीडिया के बंधुओं को जिस ढंग से आपने सकारात्मक माहौल बनाया, हमारे जबलपुर के सारे नेतृत्व को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार मानूंगा कि आपके कारण से हमारा ये सेक्टर जो हमारी अपनी प्रतिबद्धता कि हम जबलपुर और महाकौशल के बेल्ट में नए निवेशकों भी लाएंगे और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराएंगे, जनता ने जो हम पे भरोसा किया है उस भरोसे को खरा उतरने के लिए बड़े पैमाने पर आप सबका जो सपोर्ट मिला है मैं आप सबको भी धन्यवाद देना चाहूँगा, क्षेत्र की जनता का और प्रशासन का भी जिनके कारण से पूरा आयोजन हो सका है। मेरी अपनी ओर से पुनः एक बार आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए क्या है, अशोक लीलैंड ने यहाँ के डिफेंस वालों के साथ एमओयू किया था तो स्टेट गवर्नमेंट उसमें मददगार है, ये भारत सरकार के जो आपस के करार हैं उसमें। और लेकिन एक अच्छी बात ये भी है कि भविष्य में डिफेंस के सेक्टर में अलग अलग प्रकार के उनके रक्षा के संसाधन या जो उनकी जरूरत है वो वेपन्स भी बनेंगे, लेकिन उसके जुड़ी हुई बाकी लैंड जहाँ उसका वो परीक्षण करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को बुला करके उससे जुड़े हुए सारे पक्षों पर समान रूप से मध्य सरकार अपना प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने को तैयार होगी, उसमें उससे जुड़े सेक्टर के लोगों के काम होगी। ऐसे और भी अलग अलग सेक्टर पे हम प्रत्येक रूप से जो रोजगार परक भी होंगे और डेवलपमेंट आधारित भी होंगे दोनों पे काम करेंगे। अरे भाई हो गई ना बात, एक बार एक ही देखो हम इस जो रोजगार पर मैंने दूसरी बात नहीं कही, केवल रेडीमेड गारमेंट्स नहीं, हमने तो टेक्सटाइल की बात भी कही है,
और उससे आगे बढ़कर के आईटी की बात भी करना है। हमारे यहाँ मिनरल बहुत है जबलपुर में, तो मिनरल में भी केवल रॉ मटेरियल मिल जाए, उसके यहाँ से प्रोडक्ट तैयार हो जाए, तो कुल मिला के रोजगार पूर्वक जो जो इंडस्ट्री खड़ी हो सकती है तो सबको प्रोत्साहन देना। और ये भी कह रहे हैं कि जो हमने अपनी गाइडलाइन जारी की उस गाइडलाइन से हट करके भी कोई अच्छी इंडस्ट्री खड़ी होती है तो सरकार उसको भी मदद करने को तैयार है। कुल मिला करके रोजगार पूर्वक एक तरह से रोजगार फ्रेंडली माहौल बनना चाहिए, तो ये उसी दृष्टि से हम इसमें चल रहे हैं। देखिए समान रूप से हम न केवल ये रिलीजियस टूरिज्म पे बात कर रहे हैं, बल्कि जो आपके आसपास का फॉरेस्ट का एरिया है या हमारे हेरिटेज के आसपास के स्थान है, सभी को जोड़ करके टूरिज्म के सभी सेक्टर में समान रूप से मदद करें। आप मुझे लगता है कि सारे देखिए अभी हाल मैंने खुद रिपीट कर रहा हूँ, छोटी छोटी इंडस्ट्री और आईटी की इंडस्ट्री, आपकी जानकारी के लिए आईटी इंडस्ट्री को चाहिए क्या? आईटी इंडस्ट्री को जगह चाहिए जहाँ वो अपने आईटी के बच्चों को बिठा करके वो अपना काम करा ले। इसीलिए हमने कहा कि आईटी पार्क हम यही बना देते तो 10 इंडस्ट्री इसमें भी काम करना चाहिए तो आईटी पार्क में उनको जगह दे देंगे। यही तो तरीका है कि इसमें 500 लोग 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा। हर एक वो चीज जिसके माध्यम से रोजगार मिल सकता है वो अंग्रेला सरकार उपलब्ध कराने को तैयार है। बहुत धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। डॉक्टर मोहन यादव सभी को संबोधित कर रहे थे। सरसत औद्योगिक इकाइयों को लोकार्पण और भूमि पूजन होगा। 12,000 लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। उनका कहना है कि ये जो कॉन्क्लेव हो रहा है इससे न सिर्फ जबलपुर बल्कि जितने भी अलग अलग उद्यमी यहाँ पर निवेश के लिए आएंगे उनको तो फायदा होगा ही, साथ ही रोजगार के अवसर उनके क्षेत्र में भी बढ़ेंगे। तो आसपास के क्षेत्र की निवेश संभावनाओं पर केंद्रित 5 क्षेत्रीय सत्र आयोजित किए जाएंगे। कृषि, खाद, डेयरी, प्रसंस्करण, रक्षा, खनन और खनिज, कपड़ा, परिधान, पर्यटन, सभी सेक्टर इसमें शामिल हैं जिनको लेकर ये कॉन्क्लेव बुलाया गया है। साथ ही उद्योग संघों, स्टार्टअप एवं रक्षा, कपड़ा, परिधान विशेषज्ञों के साथ चर्चा भी होगी। 300 से अधिक क्रेता विक्रेता मीटिंग्स, 1-to-1 चर्चा और ये तमाम चीजें आने वाले समय में होने वाली हैं जिससे ज्यादा निवेश संस्कारधानी के साथ साथ पूरे प्रदेश में आ सके।